अलग है और ये टीम कई चीजों में ए प्लस भी आई है और चाहेंगे कि संतोष भाई फाइनल मैच में 30 तारीख को हमारे साथ रहेंगे तब भाई भी अब सम्मान लेंगे। स्कोर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बढ़िया शॉट गैप में नहीं सीधे फील्डर के पास और सरपट भाग ली रन के लिए बहुत ही बढ़िया तालमेल स्कोर हुआ 6। मैदान में बहुत ही शानदार मैच चल रहा है और एक निवेदन है जो हमारे अधिकारी वर्ग सामने हॉकी खेलते हैं भाई लोग अगर मेरी आवाज सुन रहे हो जो भाई लोग सुनील सिंह प्रयास बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर क्या हो रही है विकेट कीपर के हाथ से गेंद की दो रन नौ रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद आउट होने वाले खिलाड़ी थे यूके किस तरह की बल्लेबाजी करेगा बहुत ही खूबसूरत लाइन का उपयोग करते हुए फाइव मैच के दिशा में और गेंद सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे बढ़िया शॉट के ऊपर से कहता था कि चारों के लिए कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास दो चौके लगातार इस ओवर में यहां पर डेवेंटर एक बार फिर से तेज कदमों से हमारी तरफ आते हुए इस बार बढ़िया वहां पर गली और पॉइंट खिले हुए दो मैदान पर और दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं बढ़िया शॉट फील्डर के हाथ में चल चली गई क्या शानदार कैच है ये खूबसूरत स्ट्रोक मगर उतना ही शानदार कैच और यहां पर परवीन को हमने देखे थे उनके चौके छक्के मुझे याद आते हैं शानदार गेंदबाजीकरण की खुशी का ठिकाना नहीं और बॉडी लाइंस के खिलाड़ियों में उत्साह की लहर से दौड़ गई है शानदार गेंदबाजी मिस्टर करण ने दो इंस्टॉलमेंट पर एक खिलाड़ी पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर करण यहां पर बहुत खूबसूरती के साथ बजाया अपनी टीम के लिए अरविंद भाई के बॉडी लाइंस के एक बाजू की तरफ से मान कर रखा है जब जब हाथ खोलने का यहाँ पर फिर से बढ़िया शो मगर गैस नहीं फील्डर के पास कवर के ऊपर से ही खेला था और एक रन भाग कर पूरा किया जो इस बार अच्छा बहुत ही शानदार शो मगर शानदार वहाँ पर थ्री पॉइंट बाउंड्री पर रुक गया सामने हमें सुरजीत काफी खुश होंगे बॉडी लाइन शून्य के कप्तान से यहाँ पर बढ़िया शॉट कवर के ऊपर से गेंद गोली की रफ्तार से दंदराते ही बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई चार रन काफी चौका निकला है ग्राउंड पर एक बार फिर से करण की यहाँ पर बढ़िया शॉट मगर फील्डर के हाथ में गेंद शहीद हो गई चौथा छक्का यूके पैंथर को लगने वाला करण को तीन सफलताएं मिल चुकी हैं इसे कहते हैं घातक गेंदबाजी नरेंद्र इस बार ऑफ साइड पर धकेला पॉइंट की दिशा में सामने नरेंद्र नहीं जुटा पा रहे हैं वो जा रहे हैं अरविंद उसके पीछे भागे जा रहे हैं सही संतुष्ट होना होगा सतपाल एक बार फिर से काफी लंबा रन तेज कदमों से हमारी तरफ आते हुए इस बार अच्छा स्ट्रोक थर्ड बैट की दिशा में बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पर एक रन कोई भी हवाई स्ट्रोक्स नहीं खेले यानी कोई भी छक्का अभी तक इस पारी में नहीं लगा है इसका मतलब कि गेंदबाजी बढ़िया हो रही है इस बार फिर से पॉइंट की दिशा में बोला है एक रन ही मिलेगा वहां पर एंट्री होती है चाहे बॉलर्स की तरफ से हो चाहे बल्लेबाज की तरफ से हो मगर अभी तक बॉलर साथ ही दिखाई दिए यूके पैंथर के यहाँ पर बढ़िया शॉट ऑन ड्राइव खिलाड़ी आउट होने के बाद मगर यहाँ पर यूके पैंथर की टीम ने अब विकेट बचा कर रखे
इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, उसका लेग की दिशा में फिर से अरविंद को उसके पीछे भागे जाना पड़ रहा है, क्या रोक पाएगा रहे? इस चार रनों के साथ स्कोर हुआ 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के समाप्ति के बाद अभी भी 6 के नीचे है स्कोर रन गति, 8 ओवर 46 रन 4 विकेट के। इतनी शानदार गेंदबाजी, पौड़ी लायंस के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। यहाँ पर बल्ले का किनारा जरूर था मगर किस्मत वह फूटा, वहां पर कैच छूटा, सुरजीत किस्मत वाले रहे हमसे दूर जाते हुए। बढ़िया शॉट, बहुत ही खूबसूरत मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग, मात्र इकलौता ही रन मिलेगा। पता नहीं फिर जिसने हटाई होंगी। जयचंद्र एक बार फिर बहुत बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, अपने ही पॉल उत्तर में रोक नहीं पाए गेंदबाज, लॉन्ग ऑफ से जब तक खिलाड़ी वहां पहुंचते तब तक एक रन फिर से फुल टॉस गेंद थी और किल्लिया बिखर गई, क्लीन बॉल, मिडिल हिट का मुक्का हुआ, पांचवां झटका। एक बार फिर से यहाँ पर कट के ऑफसाइड पर कवर के दिशा में एक रन पूरा किया है, दूसरे के लिए पलटते हुए दोनों बल्लेबाज बहुत फूर्ति के साथ 2 रन पूरे कर लिए जाएंगे। इस बार पहला रन और यहाँ पे पौड़ी द्वारा बहुत ही उम्दा गेंदबाजी हो रही है, नियंत्रित अनुसार से 2 रन यहाँ पे मिलेंगे, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था और इसका आने वाला है बहुत खूबसूरत डिलीवरी थी बैट्समैन चूके कंगा कामयाबी यहाँ पे और ओवर की समाप्ति। अब अगले 1 और 11 आखिरी विकेट है, मैदान के बाहर हमारे दर्शक इतनी पैनी नजर रख रहे हैं कि बोल्ड की अपील बताई जा रही है, आउट चाहिए वो भी बोल्ड। यहाँ पे कैच, डोमेस्टिक क्रिकेट के 200 रन दिए। और इसी के साथ 10वीं सफलता, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, ओवर भी समाप्त हुआ, यानी 90 गेंदों में पैंथर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिस लेवल की टीम है उसके तो आसपास भी नहीं पहुंची। मेरे स्कोरर मुझे बताएंगे कि कितने रन बने, 78 रन बनाए, 78 बनाए और टारगेट है 79 रन का, 79 रिक्वायर्ड टू विन इन 90 बॉल्स। और मेरा प्रश्न अब भी बढ़िया गेंदबाजी होने की, पूरी टीम को 78 पर ऑल आउट किया था। बोल भाई ये तो बोल बॉल, बहुत बेहतरीन गेंद, ईट का जवाब पत्थर से दिया है यूके पैंथर के बॉलर्स ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज का सम्मान भी ऑफसाइड पर तकिला, चटपट भाग 1 रन के लिए, 1 रन के साथ स्कोर हुआ 2। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद आउट होने वाले खिलाड़ी के कप्तान ने जिम्मेदारी ली है, वो चाहेंगे एक विकेट शुरुआती झटका अगर वो देते हैं। इस बार बहुत तेजी के साथ क्लिक कर दिया है, आउटसाइड पर खतरा हो सकता है मगर बहुत पहले अपनी जगह पहुंच चुके थे सब। एक बार फिर से सतपाल ने बहुत ही खूबसूरती से ऑन ड्राइव किया है, खिलाड़ी भागे जा रहे हैं, 1 रन पूरा किया है, 2 के लिए कॉल और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिया सतपाल ने, बहुत ही शानदार। उत्तराखंड के जाबाज खिलाड़ी यहाँ अपने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए 40 की बहुत खूबसूरत मगर शॉट है ये बढ़िया सतपाल के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को लेकर रफ्तार से सीधा रेखा से बाहर,
एक और चौका सतपाल के पल्ले से खूबसूरत देखने लगा। किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा। एक बार फिर बढ़िया शॉट पॉइंट की तरफ ही खेला। फील्डर मौजूद है जिस पर फील्डर एक रन कप्तान हमारी तरफ आते हुए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक कवर के पीछे है मगर वहां शानदार फील्डिंग रिस्पिंग भी हुआ है। अच्छे खेत पर नजर आ रहे हैं हालांकि विकेट तो था बहुत जल्दी गिर गया था मगर उसके बाद हौसला नहीं हारे। बढ़िया शॉट ई पॉइंट की तरफ बोड़ा एक रन ही। बहुत ही खूबसूरत तो इस गेंद को स्क्वायर लेग फॉर्म में लाइन से बाहर गए चार। बहुत अच्छी तरीके से दोनों टीमें समर्थन देती है अगली गेंद और ये बहुत अच्छा शॉट मारा गया है। बहुत अच्छी खेला जा रहा है अपनी बॉल को पारी झुलाया जल्दी जोर के बोले अगली गेंद और ये बहुत ही अच्छा शॉट चार रन की प्राप्ति बहुत ही बढ़िया। तो सतपाल इज ऑन स्ट्राइक राइट नाउ नेक्स्ट बॉल वो ब्यूटीफुल डिलीवरी बट अ ब्यूटीफुल रिप्लाई बाय द बैट्समैन। अगली गेंद दिग्विजय फेस करते हुए बहुत अच्छी बॉल ऑफ साइड में प्लेस कर दी गई फील्डर मौजूद फिर से सिंगल प्राप्ति होगा। ओवर की समाप्ति इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति में 65 रन। अगली गेंद क्रिक ओवर में क्या कहना स्वयंपाल रावल जी और स्कोरिंग में अनंतपाल असवाल जी कैच ड्रॉप हो गई है यहाँ पे बहुत बेकार फील्डिंग कहना चाहूंगा और फील्डिंग टीम रेडी हो जाए। मात्र 8 रन किए थे गेंदों में ये गेंद हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट में विकेट की दिशा में खेल जाता है रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं आते और हल्के से मिच फील्डर दूसरे पहले रन के लिए वहां पे पलट रहे और एक रन बड़ा आसानी से ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो बची हुई 22 गेंदों में